जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि तमाम मज़े की रेसिपीज़ आप तक इजीली पहुंच सकें। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है लेडी फिंगर ओकरा विद अनियन, और ये बहुत सिंपल घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और टेस्टी है। वेजी लवर्स के लिए तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी भिंडी बनाना प्याज के साथ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी तो हम बना रहे हैं फ्राइड भिंडी और अनियन के साथ, और उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट ऑन कर लीजिए। कि मैंने लिया है प्याज, इसे मैंने इस तरह से स्लाइस कटिंग कर लिया है, ये हाफ के जी है। और ये मैंने लिया है ओकरा लेडी फिंगर भिंडी, इसे भी हाफ के जी लिया है मैंने, और इस तरह से स्लिट करके और ये कटिंग कर लिया है। तो अभी सिर्फ इसका ये प्रोसेस है कि हम दोनों चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल के, हाफ कप के करीब ऑयल डाल के हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे और थोड़ा सा कलर देंगे गोल्डन, और उसके बाद फिर इसका बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ कप ऑयल, क्योंकि हमने भिंडी और अनियन को अलग अलग फ्राई करना है। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर भिंडी। ये थोड़ी स्टिकी होती है तो इसलिए जो है वो हम इसे अलग से फ्राई करेंगे और इसकी स्टिकीनेस जो है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब हल्दी। हल्दी से इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए हाफ टी स्पून मैंने डाल दी इसमें हल्दी, और बस हमें इसे स्टिर करना है और इस तरह से मिक्सिंग करते हुए। ज़्यादा आपने स्पून जो है वो नहीं चलाना, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल ही जो है वो स्टिकीनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें बस इसे आराम आराम से आफ्टर अ वाइल इसको मिक्सिंग करनी है और इसको गोल्डन कलर देना है। तो मैं करती हूँ इसको गोल्डन कलर, स्टे ट्यून विद अस। तो ये देखिए भिंडी को कलर आ गया है, इस तरह से आपने इसको गोल्डन कलर कर लेना है। कितना अच्छा मज़े का कलर आया। इसको मैं निकालती हूँ और फिर इसके बाद हम इसी जो ऑयल में है थोड़ा सा और ऑयल डाल के हम अनियन ब्राउन करेंगे। जी तो हमारी भिंडी जो है वो गोल्डन कलर में हो गई। अब उसमें से मैंने एक्सेस ऑयल जो था वो निकाल लिया। अब मैं बस इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी, और ये जो मेरे पास स्लाइस अनियन है हाफ के जी के राउंड अबाउट, ये सारा अनियन इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से, और इसे भी हमें गोल्डन कलर देना है, लाइट गोल्डन कलर। तो मैं करती हूँ इसको गोल्डन कलर में चेंज, स्टे ट्यून विद अस। तो ये अनियन भी हो गया ब्राउन, देखें गोल्डन ब्राउन कलर इसको कितना अच्छा आ गया। इसको भी निकालते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबलिंग करना और इनको कंबाइन करके कुक करना। जी तो हमने ये देखे इसे भिंडी को फ्राई कर लिया, उसके बाद हमने अनियन को भी फ्राई कर लिया, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया दोनों को। अब हमें इसे असेंबल करना है और कंबाइन करके कुक करना है। तो उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट डाउन कीजिए। ये मैंने लिए हैं 2 टमाटर बड़े साइज़ के, ऑलिव ऑयल अकॉर्डिंग टू टेस्ट 2-3 टेबल स्पून डालेंगे, और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये साथ में लिया है मैंने हाफ टी स्पून मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ये ज़ीरा है हाफ टी स्पून, और ये सूखा धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून। ये थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लिया था, ये 1 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया है 1 टी स्पून, चिली पाउडर लिया है रेड चिली पाउडर लिया है ये भी 1 टेबल स्पून, और टू पिंच ऑफ हल्दी। तो डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल, और ये जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं, इतना कि ये थोड़ा सोटे हो जाए और इसकी बिटरनेस जो है वो कम हो जाए इस तरह से। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डाल रहे, क्योंकि हमने अनियन और हमारे जो लेडी फिंगर थी ओकरा, उन दोनों को अच्छे से जो है वो हमने ऑयल में ही फ्राई किया था। तो जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी
तो फिर ऑयल अच्छे से निकल आएगा। मिक्सिंग करते हैं। तो ये इसका देखिए कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ बाकी के। कि मैंने डाला है हल्दी, रेड चिली पाउडर, साथ में ऐड कर दिया है सॉल्ट, नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा और साथ में ये चिली फ्लेक्स और जाएंगे इसमें दो टमाटो, ये थोड़े बड़े साइज के थे क्योंकि हम इसमें प्याज यूज़ नहीं करें ग्रेवी बनाने के लिए, सिर्फ टमाटो के साथ इसकी ग्रेवी बनेगी और टमाटो को हमें अच्छी तरह से मैश करना है, लाइक वो उसके जो चंक्स हैं वो बिल्कुल मैश अप हो जाएं इसके साथ। तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना मज़े का कलर आ गया है। मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, मैं इसमें ये हाफ कप योगर्ट दही डाल रही हूँ। अब इस दही के पानी में ही ये टमाटो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर इसकी ग्रेवी हो जाएगी। तो हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे, इतना कि ग्रेवी बिल्कुल ड्राई हो जाए और टमाटो जो है वो अच्छी तरह से मैशअप हो जाए। स्टे ट्यून्ड विद अस। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया और उसी में टमाटो जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इसे और ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में करके उसके बाद फिर हम इसके अंदर भिंडी और प्याज डालेंगे और फिर इसको दम लगाएंगे। जी तो देखें इस पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है, टमाटो जो है वो अच्छे से मैश हो गए हैं और काफ़ी जो है वो ड्राई हो गया है हमारा लिक्विड, हमारी ग्रेवी। तो अब ये रेडी है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये भिंडी जो हमने फ्राई की थी और साथ में अनियन, इसके साथ जो हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स है ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा कुटा हुआ सूखा धनिया। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ये ग्रीन चिली 4 से 5 और 1 टेबलस्पून के करीब ये ड्राई मेथी, कसूरी मेथी ये ऐड कर देंगे। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस स्टेज पे आप इसके स्पाइसेस चेक कर सकते हैं, लाइक अगर कोई आपको कमी बेशी लगे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जी तो ये देखिए हमारी कलरफुल भिंडी और अनियन प्याज ये रेडी हो गया है। इसे हम दम देंगे 5 मिनट्स के लिए क्योंकि सब चीज़ें पकी हुई हैं और बस 5 मिनट इसे दम देंगे और उसके बाद फिर हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो हमारी भिंडी अनियन के साथ रेडी हो गई है और हमने कर दिया है इसको असेंबल और साथ में हमने इसके रुमाली रोटी बनाई है और ये भी आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ हमने अच्छी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन करके सर्व कर दी है। बनाइए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत मज़े की और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह निगेबान।